नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे बीएड सेट कोर्स से रिलेटेड और सीटीटी से रिलेटेड और अन्य सभी प्रकार के वीडियो आपको मिलते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पेपर फाइव से बीएड के जो पेपर फाइव है फर्स्ट ईयर में उनसे रिलेटेड, या तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे कि जो टॉपिक मैं बताता हूँ वो टॉपिक किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में रहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में रहते हैं। तो आप टॉपिक पर ध्यान दें मेरे यूनिवर्सिटी में और जिस प्रकार से हैं, तो मैं उसके अनुसार जो है कि मैं वीडियो में बोलता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर का पेपर फाइव है। तो आपके यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक जिस पेपर में है, तो उस टॉपिक को आप उस पेपर को समझ के उसमें आप उस टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक को समझें अच्छे तरीके से। सेम टू सेम रहता है, सारा कुछ सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है, बल्कि आपका जो है कि पेपर और टॉपिक चेंज हो जाता है और बाद बाकी सब कुछ सेम रहता है। इस वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि नॉलेज के सोर्स टाइप्स, नॉलेज क्या होते हैं, नॉलेज के सोर्स बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा और इसके मीनिंग को भी बताऊंगा, अर्थ क्या होते हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इसमें कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, इतने चीज बताऊंगा, यानी कि इस वीडियो में बताऊंगा कि नॉलेज के सोर्स एंड टाइप को और मीनिंग को, ये सारे चीज को मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और देखिए शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा गया है कि ज्ञान सारे विज्ञान की जननी है, मतलब ज्ञान जो है कि सारे विज्ञान की जननी है। ज्ञान के माध्यम से ही हम विभिन्न अनुभव को जानते हैं, इन्हें अर्थ प्रदान कर पाते हैं, जो है कि जब हम जानते हैं तो फिर उसको अर्थ प्रदान कर पाते हैं तथा उपयोगी बनाने में सफल होते हैं। आगे है लिखा हुआ, इसमें देख सकते हैं, प्रकृति के द्वारा मानव को पाँच ज्ञान इंद्रियों दी गई है, मतलब प्रकृति के द्वारा हमें पाँच ज्ञान इंद्रियाँ दी गई है, जिनके माध्यम से हम अपने चारों ओर की दुनिया से जान पाते हैं, ज्ञान जो है कि प्राप्त कर पाते हैं। संसार में मनुष्य की उत्पत्ति जो है कि के साथ जो ही अपने चारों ओर के संसार को जानने की प्रकृति मानव में है, सदैव से यहाँ रही है। प्रवृत्ति जो है मानव में सदैव से यही रही है कि संसार के चारों तरफ को वस्तु जितने हैं उन सभी का ज्ञान प्राप्त करना तथा अर्थ रहित वस्तुओं एवं परिस्थितियों को जानने का प्रयास करता रहता है। वस्तुओं का अथवा जो है परिस्थितियों का यही निश्चित अर्थ ज्ञान के रूप में जानी जाती है। तो आप इस तरीके के इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। परीक्षा में भी अगर पूछा जाए कि नॉलेज के सोर्स, मीनिंग और टाइप्स को डिस्क्राइब करें, तो आप इसको यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे है कि मीनिंग ऑफ नॉलेज, मीनिंग ऑफ नॉलेज में देखें तो नॉलेज शब्द की उत्पत्ति अंग भाषा के नाउन शब्द से हुआ है। नॉलेज शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के नाउन शब्द से हुआ है, जिनका मतलब होता है जानना। अर्थात नॉलेज का तात्पर्य किसी चीज को जान लेना या जानकारी प्राप्त करना होता है। आगे कहा गया है कि हमारे वातावरण में फैले अनेकों सूचनाएं जिनके संबंध निरंतर हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, जिनमें से कुछ जो है कि सूचनाओं को हम अर्थ प्रदान कर पाते हैं, करने में जो है कि सफल होते हैं। ऐसी सभी सूचनाएं जिन्हें हम अर्थ प्रदान करने में सफल हो जाते हैं वह ज्ञान का रूप ले लेता है। अर्थात इस आधार पर जो है कहा जा सकता है कि ज्ञान सूचनाओं का अर्थपूर्ण रूप है ना। इसी बात को अगर इंग्लिश में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ मीनिंग ऑफ इन इंफॉर्मेशन, जो है कि जो नॉलेज जो वह है कि जो कि इंफॉर्मेशन सूचनाओं का जो अर्थ होता है वही नॉलेज है। ये कहा गया है कि नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ मीनिंग इन मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये कहा गया है इंग्लिश में। और आगे देखते हैं इसी का आगे क्या है। आगे सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज में देखें तो क्या होता है। देखिए सबसे पहले सोर्स, हमें नॉलेज कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान का स्रोत क्या हो सकता है। तो देखिए सोर्स ऑफ नॉलेज में सबसे पहले तो देखिए रीजनिंग, उसके बाद परसेप्शन है, उसके बाद है इंस्टिंक्ट है, उसके बाद है मेमोरी से भी प्राप्त होता है हमें, उसके बाद है इंट्यूट से, उसके बाद
इंट्रोसेप्शन से, उसके बाद है टेस्टिमोनी। अब इन सभी चीजों को अगर समझें तो देखिए, सबसे पहले इंस्टिंक्ट दिया गया है। इंस्टिंक्ट में किस तरीके का होता है तो इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, सब समझ लेते हैं कि इंस्टिंक्ट होता क्या है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति जो जन्म के साथ होती है, जन्म के साथ निर्धारित होती है, आयु के साथ साथ इनमें जो है कि परिवर्तन होता है, लेकिन मनुष्य के अपने दायरे होते हैं, अपने जो है कि दायरे में ही उनकी प्रकृति चलती है, प्रवृत्ति जो है उनकी उसी के दायरे में चलती है, जिस आधार पर जो है मनुष्य ज्ञान अर्जन कर पाता है। जो मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है, जो कि ज्ञान प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है, ये मेन है कि इंस्टिंक्ट होता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसमें कुछ न कुछ प्रवृत्ति होती है, कुछ तरीके का अनुवांशिक या वांशिक जो होती है, सामाजिक इस तरीके का जो होता है उसमें, तो वो चीज सीखते सीखते बच्चे सीख जाते हैं, तो इससे भी ज्ञान को प्राप्ति मिलती है इंस्टिंक्ट से। अंतर मन जिसको कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट मतलब अंतर आत्मा से भी हो सकता है। आगे जो है देख सकते हैं परसेप्शन है। परसेप्शन में कहा जाता है कि मनुष्य जब कभी भी किसी चीज का अर्थ सहित संश्लेषण करता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य जब किसी भी चीज का संश्लेषण करता है, अर्थ सहित जो संश्लेषण करता है, तो उसका जो कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये परसेप्शन के अंतर्गत आता है। आगे है रीजनिंग यानी तर्क के आधार पर। अब तर्क के आधार पर मनुष्य की बड़ी विशेषता है कि वह अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर तर्क कर सकता है। तर्क के आधार पर जब ज्ञान अर्जन करता है तो हम तर्कन को ज्ञान, उस तर्कन को जो है कि ज्ञान का स्रोत मानते हैं, उससे भी हमें ज्ञान की प्राप्त होते हैं। आगे है कि टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी में देखें, टेस्टिमोनी में जब भी कोई सूचना या ज्ञान किसी दूसरे स्रोत जैसे शिक्षक अथवा संचार माध्यम से प्राप्त होता है तो वह ज्ञान क्या कहलाता है, तो वह ज्ञान कहलाता है, देख सकते हैं वह ज्ञान टेस्टिमोनी कहलाता है। टेस्टिमोनी में देख सकते हैं यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, और आगे देख सकते हैं यहाँ पे, और उसे जो है उपयोग में लाया जा सके। अब जो हम टेस्टिमोनी के थ्रू, अपने शिक्षक के थ्रू, अपने बुक के थ्रू हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको जो है उपयोग में ला सकते हैं, लाया जा सकता है, तो वह ज्ञान जो है कि टेस्टिमोनी के स्रोत प्राप्त किया गया ज्ञान होगा, वह स्रोत कहलाएगा टेस्टिमोनी कहलाएगा। यहाँ देख सकते हैं आगे है इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन में आप देखें तो यहाँ कहा गया है कि मनुष्य जब कोई ज्ञान आत्मनिरीक्षण, है ना, आत्मनिरीक्षण से प्राप्त करता है तो उसे उस स्रोत को जो है कि मतलब उसे जो है उस स्रोत को जो है स्रोत के रूप में माना जाता है, उसे जो है स्रोत के रूप में माना जाता है, जो कि हमें अंतरात्मा से प्राप्त होता है, जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो वो ये चीज होता है। तो अगला है, ये भी एक स्रोत के रूप में है कि ज्ञान हमें अंतरात्मा से भी प्राप्त हो सकता है। इंट्यूट है। इंट्यूट में देखें कि जब मनुष्य को अचानक से किसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अचानक से यानी जैसे न्यूटन थे, उसको इंट्यूट हुआ कि अचानक उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि पृथ्वी की ओर क्यों आया एप्पल, ऊपर ही क्यों नहीं गया, तो ये इंट्यूट के माध्यम से होता है। कि देखिए यहाँ पर न्यूटन जो थे, उन्हें ज्ञान का स्रोत कहाँ से था, तो इंट्यूट से था, अचानक से था। अचानक से ज्ञान प्राप्त हो जाना अथवा अंतर्ज्ञान हो जाता है, हो तो उसे ज्ञान का स्रोत माना जाता है, जैसे सेब के गिरने से। देखिए यहाँ पर उदाहरण में भी लिखा हुआ है। आगे देखिए मेमोरी। मेमोरी से पहले ही बातों, मतलब पहले की बातों को संरक्षित करना, फिर बाद में समय पर आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाना स्मृति कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। यह ज्ञान जो है कि एक स्रोत है, यह ज्ञान का एक स्रोत है, जबकि हम पहले अनुभव किए हुए हैं, पहले किसी भी चीज को सीखे हुए हैं, उस ज्ञान का जब हम रिकॉल करते हैं अपने मेमोरी से, वह भी एक ज्ञान का स्रोत ही होता है। आगे है टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज में देखें तो टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये क्वेश्चन आपको बीएड के सेकंड ईयर में भी है, ललित नारायण यूनिवर्सिटी में, और दूसरे यूनिवर्सिटी में आप देखें तो फर्स्ट ईयर में भी, कहीं कहीं फर्स्ट ईयर में है, कहीं कहीं सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में आपको ये पेपर जो है कि मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन मिल जाएंगे नॉलेज के बारे में लिखने के लिए, तो इसे आप ध्यान से देख लें, दोनों ईयर में भी आ सकते हैं किसी भी पेपर में। तो देखिए आगे है कि पेपर 9 में बीएड सेकंड ईयर में है, और पेपर 5 में ये फर्स्ट ईयर में है। तो ये अगला है टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज में ज्ञान के प्रकार को कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ज्ञान की उपयोगिता के आधार पर जो है, ज्ञान उपयोगिता स्रोत एवं प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। उपयोगिता स्रोत एवं प्रकृति के आधार पर यहाँ देखें तो नॉलेज कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रोसीजरल नॉलेज, उसके बाद है
प्रोपोर्शनल नॉलेज, उसके बाद है एक्सप्लिसिट नॉलेज, उसके बाद टैसिट है, उसके बाद है पोस्टेरियर है, उसके बाद प्रायर है, इम्पेरिकल है, सिमेट्रिक है, देख सकते हैं सिस्टेमेटिक है, सेमेटिक है, सेमेंटिक है, उसके बाद लॉजिक है, उसके बाद प्रोसीड्रल है, देख सकते हैं। तो ये था, इतना नॉलेज के प्रकार है। अब इनमें देखें तो सबको डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन क्या नॉलेज है। तो देखिए सबसे पहले लॉजिकल नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज है, लॉजिकल नॉलेज में तर्क के आधार पर जो हमें ज्ञान होती है तो वो कहलाता है लॉजिकल नॉलेज। जो ज्ञान हमें तर्क के आधार पर प्राप्त हो तो वह ज्ञान क्या कहलाएगा, लॉजिकल नॉलेज। जैसे में देखे तो जब हम किसी भी चीज का तर्क करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जब हम तर्क करते हैं कि हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो तर्क करते हैं कि पत्तियां डोल रही है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तब हम समझेंगे कि मैंने ये तर्क किया कि ये क्यों डोल रहा है, हिल क्यों रहा है। तो हमने सोचा कि ये मैंने तर्क किया कि ये हवा के चलने के कारण हिल रही है, तब मैंने ये हमें ज्ञान हुआ कि हवा चल रही है। अब आगे है, देख सकते हैं सिमेट्रिक सेमांटिक नॉलेज। सेमांटिक नॉलेज में देखें तो अर्थ जानकर या अर्थ के आधार पर, मतलब उस चीज को, किसी भी चीज का अर्थ हम जान लेते हैं। जैसे किसी भी शब्दार्थ हुआ, जैसे मैं अधिगम, अधिगम अब क्या होता है, उस चीज का मैंने अर्थ जान लिया, अधिगम मतलब सीखना। अब उस अधिगम को हम जब सीख जाते हैं, उसके अर्थ जान गए कि इसका मतलब सीखना होता है, तो यह क्या कहलाएगा, सेमांटिक नॉलेज कहलाएगा। अर्थ के आधार पर जब हम जानते हैं कि ये फलाना चीज है, अर्थ के आधार पर हम किसी चीज को जानते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है, तो ये कहलाएगा सिमांटिक नॉलेज। अब है सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज होती है कि गणितीय या प्रकृति प्रतीक के आधार पर जो है, प्रतीक की जानकारी लेना, यानी गणितीय या प्रतीक की जानकारी लेना सिमेंटिक नॉलेज कहलाता है, सिस्टमैटिक नॉलेज कहलाता है। सिस्टमैटिक नॉलेज में आप किसी भी चीज का सिस्टमैटिक तौर पे आप जब नॉलेज प्राप्त करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में पहले जोड़ सिखाया जाता है, घटाओ, उसके बाद भाग, गुना, ये सारे चीजें कैलकुलेशन सिखाया जाता है, बाय स्टेप द स्टेप सिखाया जाता है, तो यह एक सिमेट्रिक नॉलेज के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर ऑप्शन में है, चौथा नंबर जो पॉइंट है जो है कि इम्पेरिकल नॉलेज। इम्पेरिकल नॉलेज क्या कहलाता है, तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जैसे हमने छूया किसी भी चीज को, छुआ और वो हमें कैसा प्रतीत हुआ, नरम प्रतीत हुआ या कठोर प्रतीत हुआ, तो मैंने जाना कि ये कठोर है तो ये ठोस होगा, ये नरम है तो ये लचीला होगा, या मतलब कुछ भी, वाटर है तो ठंडा है, मतलब फीलिंग के आधार पर। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और नाक से सूंघते हैं, तो वो सारी चीज हमें करके प्राप्त होता है। अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब हमें कुछ भी प्राप्त होता है, जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होती है, तो वह क्या कहलाएगा, इम्पेरिकल नॉलेज कहलाएगा। पांचवा में है कि प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान के आधार पर। अब पूर्व ज्ञान के आधार पर हमें किस प्रकार से नॉलेज प्राप्त होंगे, तो जैसे हम जानते हैं कि बारिश होगी, जब बादल आएंगे तो बारिश होगी, तो ये हमारे पूर्व ज्ञान है। जैसे मैं पहले भी जानता था और आज भी जान रहा हूँ कि बादल लगेंगे आकाश में तो बारिश होगी, तो आकाश में जो बादल लगते हैं तो हमें ये पूर्व ज्ञान है कि बारिश होगी ही, तो ये आधार होता है उनका प्रायर नॉलेज का। छठा में है कि पोस्टीरियर नॉलेज। पोस्टीरियर नॉलेज में देखें तो उत्तर ज्ञान के आधार पर। अब उत्तर ज्ञान क्या होता है, तो उत्तर ज्ञान यानी जब आपको ज्ञान हो गया किसी भी चीज का, ठीक ना, अब किसी भी चीज का ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद उसी के आधार पर हम अगला स्टेप जानते हैं, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। और रिवर्स इंजीनियरिंग में जब हम किसी भी चीज को जानते हैं, उसी चीज को मॉडिफिकेशन करके, पहले टेलीफोन कैसा था, अब टेलीफोन किस प्रकार का है, तो वो कहलाएगा उत्तर ज्ञान के आधार पर। पिछले ज्ञान के आधार पर ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके जो नया इन्वेंशन हो सका। अब सातवां क्वेश्चन है, सातवां ऑप्शन है, देख सकते हैं टैसिट नॉलेज, पुराने रीति रिवाज को जानना। अब पुराने रीति रिवाज को जब हम जानते हैं कि ये क्या था, अब मान के चलिए टैसिट नॉलेज में मैं बताऊं आपको कि एक एक उदाहरण देता हूं कि एक शादी था, और शादी में उसके ससुराल से लड़की वाले के जो ससुराल थे उसके यहाँ से दो जूती आया, जो दो जूती में था हुक लगा हुआ था, आगे में जो राजस्थानी टाइप का होता है वो हुक लगा हुआ था। तो यहाँ के लोग ये नहीं जानते थे कि ये चीज क्या है, इसे कहाँ लगाया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये दो है। जब उसको बुजुर्ग आदमी से पूछा गया तो ये दो है और दो में हुक लगा हुआ, इसको लटकाना चाहिए, लटकाने वाला कहाँ जगह है, तो दोनों कान में लटका दिया गया। तो ये पुराने रीति रिवाज था, ये पुराने रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने सोचा कि ये ऐसा इस चीज में हो सकता है। तो ये पुराने रीति रिवाज की जब हम जानते हैं, बहुत सारे चीज है इसमें,
तो ये कहलाता है टैसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या कहलाता है कि ऐसा ज्ञान जो सीमित रूप से होती है, ऐसा ज्ञान जो सीमित रूप से होती है। एक्सप्लिसिट मतलब सीमित रूप से, संकुचित रूप से। जब हम ज्ञान प्राइमरी लेवल पे या छोटे लेवल पे किसी भी चीज को देते हैं तो वह एक सीमित ज्ञान होता है। जैसे बच्चे को मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, जैसे अब मान के चलिए किसी भी बच्चे को जब वह इंटर या मैट्रिक में होते हैं तो उसे उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार सीमित ज्ञान दिया जाता है। अब जब वह बड़े क्लास में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो उन्हें वास्ट ज्ञान दिया जाता है। तो ये एक्सप्लिसिट नॉलेज के आधार पर यहाँ ज्ञान दिया जाता है, ऐसा ज्ञान जो सीमित रूप से दिया जा सके, तो वह ज्ञान क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाएगा। नॉमा में है कि प्रोपोर्शनल नॉलेज। अब प्रोपोर्शनल नॉलेज में देखें तो किसी माध्यम से गहनता देख सकते हैं, किसी माध्यम से गहनता से ज्ञान प्राप्त करना, किसी के माध्यम से जो गहनता से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी चीज को, तो वह क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनल नॉलेज। यानी मान के चलिए जब हम किसी भी चीज को लेकर के रिसर्च करते हैं तो वह प्रोपोर्शनल नॉलेज के अंतर्गत आएगा। दसवां है पॉइंट, देख सकते हैं, प्रोसीड्यूरल नॉलेज। प्रोसीड्यूरल नॉलेज में सिर्फ जान लेना कि उपयोग में नहीं लाना। अब किसी भी चीज को हमने जान लिया, जैसे हम जानते हैं कि H2SO4 और किसी अन्य HCl को मिलाएंगे तो वो अम्लराज बन जाएगा, तो ये हम जानते हैं लेकिन किए नहीं है, उपयोग में नहीं लाते हैं, तो यह एक प्रोसीड्यूरल नॉलेज कहलाएगा, है ना। ये था आपका सारा पॉइंट, मैंने 10 पॉइंट बता दिया। अब चाहे तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और कंक्लूजन में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ज्ञान इसके स्रोत एवं प्रकार के अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि ज्ञान से ही मनुष्य पूर्ण रूप बनता है, परिपूर्ण बनता है। ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत होते हैं जिनके आधार पर जो है कि हम विभिन्न रूपों से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षक के दृष्टिकोण से शिक्षा के माध्यम से छात्रों की विषयगत सामग्री का ज्ञान प्रदान ही किया जाता है, जिसके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है, जो कि संपूर्ण मानव जगत में की जो है कि धुरी के रूप में कार्य करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो जल्द आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।